हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा एक्सेस डेटा का D109 रेडियो। जब मैंने एक्सेस डेटा D109 इस रेडियो का वीडियो डाला था तो कमेंट्स में एक भाई साहब ने पूछा था कि उन्होंने सजेशन दिया था कि इसका मीडियम वेव का ट्यून करके वीडियो बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें ये रेडियो पसंद आया हो और वह तसल्ली करना चाहते हो कि इसका मीडियम वेव कैसा चलता है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे से एक डिमांड की थी। तो चलिए, उन्हीं की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपने इस रेडियो का एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सेस डेटा का D109 है, आपको दिखा देते हैं। एक्सेस डेटा का D109 रेडियो है और इस पे इसका हम मीडियम वेव ट्यून करके दिखाते हैं। अभी आपको मैं टाइम बता देता हूँ, अभी हो रहे हैं शाम के 8:30, 8:30 हो रहे हैं इस समय, और मैं इसको मीडियम वेव इसका ट्यून करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, इसको मैं पहले ऑन कर लेते हैं। ये भी ऑलरेडी मीडियम वेव पे ट्यून है, क्योंकि मैं इसका आकाशवाणी का पटना केंद्र, उस पर कुछ अभी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आ रहे थे, वही मैं सुन रहा था। तो इसलिए आप देख सकते हैं 621 kHz यहाँ पे दिखा रहा है। तो देख लीजिए क्वालिटी इसकी। आगे ट्यून करके दिखाते हैं। আরে খাতে একটা বুঝি সন্দেশ মুখে দেওয়া হচ্ছে অনুপম রাষ্ট্রপতি $42 million বাংলাদেশ তাই 17 কোটিরও বেশি কোমরের হাড়ের জয়েন্ট। मैंने अभी इसका बैंडविड्थ चेंज कर दिया, उसको 1 पे सेट कर दिया है, क्योंकि बैंडविड्थ ये होता है कि जो स्टेशन की जो आप स्पेस कितना ले रहा है वो। साउंड देखिए और क्वालिटी देखिए, मीडियम वेव पे भी इस रेडियो की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त है। ये 1296 kHz पे आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्यूनिंग के मामले में जो मज़ा एनालॉग रेडियो पे आता है वो इस पे नहीं आता है।
फिर भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप डायरेक्टली उसको इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैं पटना ज़्यादा सुनता हूँ, तो आप देखिए मैं पटना इनपुट कर रहा हूँ। तो ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जिससे आपको ये पता चले कि इस रेडियो की मीडियम वेव की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।